हाँ दोस्तों, एक शेयर था पिपावा पोर्ट, गुजरात पिपावा पोर्ट, और इस पर अपडेट लेके आया था। ये APM टर्मिनल्स पिपावा है, और ये जो काम करती है पोर्ट हैंडलिंग का काम करती है, मेनली कंटेनर सर्विसेज, लिक्विड कार्गो हैंडलिंग, बल्क कार्गो हैंडलिंग का काम करती है। और ये कनेक्टेड ICD कानपुर भाया रेल, IPM टर्मिनल पिपावा इनिशिएटिव, पशु उद्योग उदय प्रोजेक्ट, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, CSR में भी काम कर रही है, और पोर्ट टर्मिनल हैंडलिंग से रिलेटेड ये काम भी करती है। ये शिपिंग सेक्टर के बिजनेस में आती है गुजरात पिपावा पोर्ट लिमिटेड। अभी 86 रुपये 35 पैसे से चल रहा है, ये कंटिन्यू गिर रहा है। इसका 124.52 वीक हाई है और 75.90 इसका लो है। बाइंग सेंटीमेंट देखेंगे तो 100% बाइंग सेंटीमेंट है। अगर वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 86.69 की इसका थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट से क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसका जो 75 रुपीज़ है इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको बाइंग रख सकते हैं। ये आपको पहले 100 और 100 क्रॉस कर दो तो 135-150 तक भी जा सकता है। लेकिन इसका एक चीज़ है जो इसमें ज़रूरी है बताना है कि क्या कर रही है। पहले फाइनेंशियल एक बार देख लें। करंट प्राइस 86 है, डिविडेंड ये कंटिन्यू देती है, डिविडेंड यील्ड 3.94%, इसका निगेटिव है सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.07 है, इसके पास कोई डेप्ट नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 43% है। होल्डिंग की बात करें, अगर हम यहाँ पे से होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग है, FI ने यहाँ पे जरूर निगेटिव हुआ निकले हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक्वायर किया है मार्च 19 में कंपेयर करें तो। इसके पास कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हुए, इसकी कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन अभी नहीं है। रिटर्न की बात करें तो कंटिन्यू ये निगेटिव ही रिटर्न दिया हुआ है ये, तो इसको एक पेनी शेयर के रूप में ही लीजिएगा, ज़्यादा इसको ये करके नहीं लेना अपने को। और अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके एक बार डिलीवरी भी देख लेते हैं, इसको क्या डिलीवरी हो रहा है अभी देखेंगे। ये कंटिन्यू जो भी डिलीवरी दे रहा है तो इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो जहाँ प्राइस टू 1.1 है, ये डिलीवरी देखिए 66-53-72 है। अभी आप यहाँ पे देखिए लास्ट वन मंथ में देखेंगे तो जो भी ट्रेडिंग हो रहा है 2 लाख का हो रहा है, 1,32,000 ट्रेडिंग में जा रहा है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे 59, 57, 44, 54, 84, 92 ये डिलीवरी में जा रहा है सारा, कोई ना कोई इसको डिलीवरी में एक्वायर कर रहा है। क्योंकि ये इसके अपने टॉप से देखेंगे तो इसका टॉप जो बना था वो 260 के आसपास बना था और 242 तक सब थे। मंथली चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिसिजिव पैटर्न बना है, और इसका जो लो है वो 75-76 जो वो है। तो आप इसमें चाहें तो 75 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि ये यहाँ पे एटलीस्ट क्या 73-72 के स्टॉप लॉस से, 70 के स्टॉप लॉस से आप इसमें चाहें तो आप बने रह सकते हैं, या ये अगर नीचे जाए तो और रिक्वायर कर सकते हैं। अब इसका RSI भी देखेंगे 37% पे है, जो कि ओवरसोल्ड ही टाइप का है, और अगर इसको डेली बेसिस पे देख लें तो 44 में है थोड़ा सा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, अगर बहुत शॉर्ट टर्म है तो 80 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो ये एक बार वापस अपने हाई को गेन कर सकता है, क्योंकि ये आप देखेंगे जब इसके आपको मंथली पैटर्न दिखाऊं, तो ये जो हाई गेन करना चालू किया था, यहाँ आप देखेंगे ईयर किस ईयर में किया था, तो ये 2014 में ही चालू किया था अपने गेन को लेना, जब मोदी जी सरकार आई थी। और ये गुजरात में अमरेली में एक जगह, गुजरात में एक अमरेली जगह वहाँ पर है, और यहाँ पर वापस ये इलेक्शन के बाद अभी अब चालू होगा इसमें पोजीशन। तो कहीं ना कहीं एक आप इसको एज ए पेनी शेयर, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लें, इसका 150 शेयर काफ़ी है, आप इसका शेयर ले करके आप देख सकते हैं, वॉच में रख सकते हैं, और नहीं तो 25-25 शेयर भी आप लेकर के स्मॉल छोटे लोगों के लिए 25-25% लेकर के आप चाहें तो इसको रखें, ताकि अगर ये वापस गिरता है और आपको अगर 74 के आसपास मिलता है, या लेटेस्ट जो चलना चालू किया था लोएस्ट है इसका 41, तो 41 के आसपास अगर आपको मिलता है, 43-42 लोएस्ट है इसका, तो अगर वहाँ तक मिलता है तो वहाँ से भी आप एक्वायर कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर जस्ट जब ये 2014 में चलना चालू किया था इसी लेवल से, यहीं पर देखिए लगभग यही लेवल था जहाँ से ये ऊपर की ओर चाल चला था और 260 तक गया था। और कंपनी ख़राब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है, उसमें भी कोई इशू नहीं। अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर चाहे तो इसको 90 के ऊपर जब चाहे तो 90 के ऊपर इसको बाय कर लें, ताकि एक आपका एक सियोरिटी रहेगा कि यहाँ पे कि 90 के ऊपर गया है
तो इसने आवरली 5 आवरली बेसिस पे जो इसका 90 है वो उसको तोड़ा है, मीन्स 200 डेमा के 200 आवर्स का जो होगा उससे एवरेज से ऊपर रहेगा। डेली बेसिस पे भी अगर इसी इसको देखने की कोशिश करें तो डेली बेसिस पे अगर किसी को चाहिए तो डेली बेसिस पे 98 आता है, मीन्स अगर ये 100 का लेवल क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो हैं इसको चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अभी इसमें देखेंगे वापस तो वीकनेस डेली बेसिस पे भी कहें चाहे जिस बेसिस पे कहें अभी गया नहीं है इसमें, अभी भी ये यहाँ से हो सकता है कि एक छोटा सा सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर दिखे आपको, बट वीकनेस अभी गया नहीं है, हो सकता है कि एक बार आपको ये वापस आपको 70 के आसपास जाते हुए दिखे आपको यहाँ पे 75 के आसपास। तो इसको धीरे धीरे करके चाहें तो आप अपनी पोजिशन में लें, क्योंकि ये अगर वापस जैसे 2014 में जब जंप किया था तो 260 तक गया था, तो वो पोजीशन आपको अभी भी दिखाएगा तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज की बात नहीं है। लेकिन मंथली बेसिस पे अगर देखें तो 123 का एक लेवल आता है जिसको क्रॉस करने के बाद इसमें पॉजिटिवनेस आ जाएगी। तो अगर ह्यूज क्वांटिटी में अगर कोई बाई करना चाहते हैं तो वो 123 के बाद ही बाई करें, वहाँ से सिक्योरिटी है कि ये वापस आपको एक ऊपर की ओर अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में भी है जो अभी एक रेंज 75 to 99 या 100 वहाँ पे लेना चाहते हैं, ये नीचे जाता है 80 के आसपास और ऊपर की ओर ट्राई करता है 103 के आसपास, तो ये लेवल में 75 to 100 के रेंज में भी है। तो इस चैनल में भी आप चाहें कोई रखना तो रख सकते हैं और इस पर एक वॉच लिस्ट रखें, सिर्फ बाय करें चाहे नहीं करें। ये शॉर्ट टर्म में अगर गया तो ये एक पोर्ट हैंडलिंग का काम बहुत अच्छे से कर रहा है और तीन तरह के जैसा आपको बताया वहाँ पे तीनों तरह ड्रग्स से हो बल्क से हो या बहुत अच्छा मैनेज करके ये पोर्ट में काम करता है, कंटेनर का पोर्ट मैनेजमेंट जो होता है शिपयार्ड में ये बहुत ही अच्छी तरह से हैंडलिंग करता है। तो इसकी एक अच्छी खूबी है और तो यहाँ से हो सकता है कि आपको ये इनफैक्ट ये आपने देखेंगे तो वीकली बेसिस पे ये इसने अपने सारे डेमा को तोड़ते हुए नीचे की ओर गया हुआ है। तो अगर चाहें तो 100 के ऊपर भी खरीदें तो आपको फायदा होगा, जब ये 100 है एटलीस्ट ये आपको 50 दिन का डेमा क्रॉस करे तो भी खरीदेंगे तो चलेगा, बट इस पर ध्यान जरूर रखिए। पिपावा गुजरात पिपावा पोर्ट एज ए फाइनेंशियली ख़राब कंपनी नहीं है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 3-4% के डिविडेंड पेड करती है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग 43% है, प्राइस टू कैश 13 times है, बहुत ज़्यादा हाईली पेड नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 times है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55 है, 387 crore का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, EPS 4.42 crore है। तो फाइनेंशियली ये बहुत ख़राब नहीं लगती है एक्सेप्ट इसकी सेल्स ग्रोथ को देखें तो जो कि निगेटिव है, और डिविडेंड बहुत चीज दो चीज़ देखें तो 43% सेल होल्डिंग और सेल्स ग्रोथ ये थोड़ा एक कंसर्न है, अदरवाइज देखें तो ये कंपनी ख़राब नहीं है। और आप देखेंगे क्वार्टरली तो ये अच्छा ही परफॉर्म करते हुए आपको देखिए 175 की जगह 180 और तो टिल डेट में देखेंगे तो भी ये अच्छा 649 को क्रॉस कर चुकी है, 307 की जगह 321, तो फाइनेंशियली ख़राब नहीं कर रही है। और अगर इंडियन स्टोरी है और एक्सपोर्ट ग्रोथ वगैरह बढ़ेगा और ये गुजरात से बिलोंग करती है तो हो सकता है कि इसको और भी एक फ़ायदा उसका मिलता हुआ आपको दिख सकता है। तो लोवेस्ट इसका जो है 75 का स्टॉप लॉस 70 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें रह सकते हैं और 70 टूटता है तो 45 एक बार दिख सकता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें नहीं होता है। वॉल्यूम आप देखेंगे आप डेली बेसिस पे इसको देख लीजिए तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वह एक थोड़ा सा इसमें ये कंसर्न, इसलिए आप इसको इन्वेस्टर के रूप में रखें, इन्वेस्टमेंट के रूप में रखें और ये अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे जाके आपको दिख सकता है। हो सकता है कि आपको पहले अभी इसका CMP आप जो देख रहे हैं 86 है तो आपको रिसेंटली ये 100 के आसपास आपको दिखा सकता है और वो क्रॉस करता है तो फिर 133-150 तक जा सकता है। तो गुजरात पिपावा पोर्ट एक स्मॉल कैप की अच्छी कंपनी है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, प्राइस में बड़े एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और डिलीवरी से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसको एक्वायर करके डिलीवरी में अपना रख रहा है, अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड इसको बाइंग हो रही है। और ये कुछ ना कुछ देखिए 86 से लेकर के 86 वही लास्ट रह रहा है तो 1-2 महीने से ये कहीं ना कहीं सिमटा हुआ है, वीकली बेसिस पे आप देखेंगे और तो ये एक रेंज में बैठा हुआ है यहाँ से यहाँ,
इसको क्रॉस करने की कोशिश किया, नहीं किया, वहाँ से 103 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, नहीं किया। अगर ये 103 क्रॉस करता है तो आपको 152 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 103 को क्रॉस जब करेगा तो आपको यहाँ से जो उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा 103 के बाद, यहाँ के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको 152 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो अच्छा है, और नीचे की ओर 75 का स्टॉप लॉस जरूर से जरूर लगा लें। 75 अगर तोड़ता है, 70 तोड़ता है, तो फिर आपको नीचे आपको ब्रेक और अच्छा खासा दिख सकता है आपको। फिर 45 का लेवल भी एक बार हो सकता है दिखा दे। अभी ये एक रेंज बाउंड चला 75 टू 100, इसी रेंज में है। आप इसको 75 में नीचे ले करके ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे देख रहा हूँ, मंथली बेसिस पे इंडिसेसिव कैंडल है, यहाँ का फॉल दिखा करके। अब एक चीज़ देखिए, वीक बेसिस पे ये लो जो बना रहा, हाई की ओर बना रहा, हायर लो बना रहा है। यहाँ पे 80 का लो था, उसके बाद 84.50 का हुआ, उसके बाद 85.15 का हुआ और 85.50 का हुआ। तो ये जो लो बना रहा है अब ऊपर की ओर लो बना रहा है, इसलिए आपको अभी शॉर्ट टर्म में 100 102 दिख सकता है। तो यहाँ से भी अगर आप चाहें तो बाइंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको 102 दिखेगा। लेकिन ये जब 102 क्रॉस करता है तो आपको अच्छा खासा फिर 150 की ओर जाते हुए, हो सकता है कि 120 पे एक बार थोड़ा सा रुकने की कोशिश करे, फिर उसके बाद जाए, लेकिन 152 की ओर जाते हुए दिखेगा। और अगर इसने पुराने हिस्ट्री को दोहराया जो कि 2014 में किया था, 2014 में इसी लेवल से 73 के लेवल से ही ये उठ के 239 240 गया था, और उसके बाद वो धीरे धीरे वापस अपने लेवल को गेन कर रहा है, और वापस ही अपने लेवल को अगर गेन करता है, यहाँ तक कर ही चुका 73, लो बना ही चुका 75 का, हो सकता है इसका लोवेस्ट जो है 43 वो भी गेन कर ले। लेकिन जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो इस बार इसको 225 को भी तोड़ने का ये दम रखता है, 240 243 को। तो ये अच्छा है, अच्छा स्क्रिप्ट है, लॉन्ग टर्म से डिविडेंड पे ही कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में पोर्ट में सबसे अच्छी कंपनी है, इसलिए आप चाहें तो इसमें होल्डिंग पोजीशन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 साल के लिए देख सकते हैं। यहाँ से टारगेट जो रहेगा आपको, पहला टारगेट है 150, दूसरा 250, ये टारगेट के लिए 3 साल के लिए आपको, 3 से 4 साल के लिए आपको रखना पड़ सकता है। ये अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से आपको दे सकता है। आज जो प्राइस चल रहा है 86.35 करंट मार्केट प्राइस NSE में 31 मई 2019 को फ्राइडे के दिन यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी बाइंग सेलिंग करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख के पूछ के फिर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत